अस्सलाम रहीम, मैं हूं अरसलान अहमद। आप सभी का वेलकम करता हूं एचईडी चैनल में। फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट में आज हम सोल्व करने वाले हैं एक और प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिज़ाइन द लॉजिक कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम में देखें, हमें कहा गया है कि डिज़ाइन द लॉजिक सर्किट डेट हैज़ 3 इनपुट्स ए बी सी एंड द आउटपुट विल बी हाई ओनली वेन द मेजोरिटी ऑफ इनपुट्स आर हाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, स्टेप वन में हम जो है इंटरप्ट करते हैं प्रॉब्लम को और सेटअप करते हैं ट्रुथ टेबल्स, मतलब ट्रुथ टेबल हम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 इनपुट कहा गया है, तो उसके लिए हमारे पास ए बी सी और पॉसिबल स्टेट कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो वो मैंने लिख दी हैं पहले ही, ताकि आप जल्दी जल्दी से ये वीडियो आप समझ सकें। तो ये मैंने 8 स्टेट लिखी हैं, सिंपली आप स्टेप वन में ये समझ लें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि आउटपुट विल बी हाई ओनली वेन द मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स आर हाई। आउटपुट हाई तभी मिलेगी आपको जब आपकी मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स हाई होगी। तो यहाँ पर 3 इनपुट हैं, तो मेजॉरिटी एटलीस्ट जब 2 इनपुट आपकी हाई होगी तब तक आपको आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, यह बाद में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 इनपुट हैं, तो एटलीस्ट अगर हमारे पास 2 इनपुट 1-1 हुए तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ पर देखें, इस पोजीशन पे 2 इनपुट हमारे 1-1 है तो ये हाई पोजीशन है, और यहाँ पर भी 2 इनपुट 1 है, यहाँ पर भी 2 इनपुट 1 है, और यहाँ पर 3 इनपुट 1 है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, ये स्टेप 1 था। और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर आउटपुट हाई होता है वहाँ पर हम एंड ऑपरेशन करते हैं या प्रोडक्ट ऑपरेशन जो है लिखते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से लिखते हैं, जहाँ पर 0 होता है उस वेरिएबल का हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, जहाँ पर 1 होता है वो ट्रू लिखते हैं। तो यहाँ पर 0 था हमारा ए, तो हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट, बी 1 था तो हमने बी लिखा सिंपली, सी 1 था तो सी लिखा। ठीक है, ये स्टेप 2 कर रहे हैं हम। और यहाँ पर देखें, ए 1 है, बी 0 है और सी 1 है, तो लिखा ए, बी कॉम्प्लीमेंट और सी। स्टेप नंबर 3 देखें, सॉरी स्टेप नंबर 2 में ये थर्ड लिखें, तो यहाँ पर ए 1 है, बी 1 है, सी 0 है, तो सी कॉम्प्लीमेंट होगा, बाकी ए बी आएंगे। लास्ट वाले में जो है तीनों 1 है तो ए बी सी। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 एंड में लिखना। और स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि हम एक्सप्रेशन को सॉप फॉर्म में लिखते हैं, जो एंड ये जो मिले हैं इनको हम आउटपुट को सॉप फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इन सभी जो भी एंड फंक्शन है या प्रोडक्ट है इनको हमें एस ओ पी फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, हम सिंप्लीफाई करते हैं जितना हमें पॉसिबल हो। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या मिली थर्ड स्टेप में, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ही। मिली हमें ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। ठीक है, ये हमें मिली स्टेप नंबर 3 में। अभी हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जितना पॉसिबल हो सका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखेंगे क्या कॉमन है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो अगर हम ज़्यादा से सिंप्लीफाई करें तो आप इन दोनों में देखें, बी सी कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में जो मैंने ये दिया है, तो हमें रीअरेंज कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बी सी कॉमन है यहाँ पर हमारा, तो हमारे पास बी सी आ जाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए जो होगा यहाँ आ जाएगा, और ये रिमेनिंग सेम ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए हमारा क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, बी सी। ठीक है, और प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा जो कॉमन आ रहा है वो बी सी प्लस
तो यहाँ पर इन दोनों में ऐसे कोई अच्छा कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम इसको सिंपली वैसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सी कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सी कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये हम पढ़ के आए हैं, ये क्या पढ़ के आए हैं, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस बी के। ये हम रूल्स पढ़ के आए हैं बूलियन अलजेब्रा में, कि आपके दो अगर वेरिएबल्स हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट और ये मल्टीप्लिकेशन है दूसरे वेरिएबल के साथ, तो आउटपुट में हमें मिलता है दोनों वेरिएबल का सम। तो यहाँ पर देखें बी और बी कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई है ए के साथ, तो इनके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, इसका अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर जिसके, ये मिलेगा ए प्लस बी। ठीक है, तो हमारे पास बचा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सी को मल्टीप्लाई कर दें तो ए सी प्लस ए बी और यहाँ पर ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ए सी और यहाँ पर हमें बी सी मिला, सॉरी सी को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ए सी आया और बी सी आया, तो ये ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको बी कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी प्लस बी कॉमन और रिमेनिंग ए सी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, तो यहाँ पर यही रूल अप्लाई होगा, ये वाला ही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, सी सी कॉम्प्लीमेंट सी है और सी कॉम्प्लीमेंट है और उसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें मिलेगा ए सी प्लस बी और यहाँ पर क्या मिलेगा अभी ए प्लस सी। ठीक है, सी है और ए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें क्या मिलेगा ए सी। अभी हम इसको सिंप्लीफाई में लिखेंगे तो वाई हमें क्या मिलेगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अभी ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो अभी हम क्या करेंगे, ये स्टेप फोर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ, स्टेप नंबर फोर कि जहाँ तक आप सिंप्लीफाई करो जहाँ तक पॉसिबल हो। अभी स्टेप नंबर फाइव में हमें क्या कहा जाता है कि हमें इम्प्लीमेंट करते हैं इसको सर्किट में, तो आइए इम्प्लीमेंट करते हैं इसका सर्किट में। तो यहाँ पर आप देखें कि ये दो जो वेरिएबल हैं ये एंडेड हैं, ये दो वेरिएबल एंडेड हैं, ये दो वेरिएबल भी एंडेड है और इनका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आपस में ऑड हैं, तो तीन एंड गेट लगेंगी और एक और गेट लगेगी। तो आइए वन बाय वन सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या था, वाई इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, यही था हमारे पास आउटपुट। तो आइए फर्स्ट जो है ए सी को देखते हैं, उसके लिए मैं एक जो है एंड गेट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इनपुट में दिया ए और सी, आउटपुट में मिलेगा हमारे पास ए सी। ठीक है, ये ए सी आ गया, अभी हमें ए बी देखना है, तो ए बी के लिए भी मैं एक एंड गेट लूँगा और इसमें इनपुट कराऊँगा ए बी, तो ये बी यहाँ पर मैंने इनपुट करा है। ए के लिए जो इनपुट मैं लूँगा वो यहीं से लूँगा, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर ए बी। अभी हमें क्या चाहिए, बी सी, तो बी सी के लिए भी मैं एक एंड गेट लूँगा और इसमें इनपुट कराऊंगा, यहाँ पर बी यहीं से लूँगा और सी ऊपर वाले में से लूँगा, ताकि हम जितना सिंपलीफाई बना सकें सर्किट को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये अटैच किया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, बी सी। अभी इन सभी जो है आउटपुट को क्या करना है, आर करना है, मतलब एक एंड आर गेट में इनको इनपुट करवाना है। तो ये मैंने इनपुट करवाया आर गेट में। ठीक है, तो इस पे आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, जो हमारे पास फोर्थ सम में था। ठीक है, तो ये हमने
स्टेप नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। ये हो गया हमारा डिज़ाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का प्रोसीजर। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।